अब मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तो आपका बॉयफ्रेंड दूसरे के साथ ऑनलाइन है 3 बजे रात को। अब आपकी गांड फट रही है देख के, यार किससे ऑनलाइन है, अरे आपको क्या फर्क पड़ा, आप अपना काम करो ना यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यार आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या किया जाए, मतलब ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या करो जिससे कि आपका पार्टनर आपको खोने से भी डरे, मतलब कि वो ये सोच कर भी डरे, घबराए कि इन फ्यूचर अगर आप उसके लिए नहीं होते हो, ठीक है, तो वो मतलब आपके अलावा कोई ऑप्शन उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वो ये सोच कर भी डरे कि अगर आपको वो खो दे तो उसका क्या होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, ठीक है। मेरी हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, अब इस टॉपिक पे बात करूंगा उससे पहले कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है, गौर से सुनना। मान लो कि आप कहीं गए थे फ्रेंड लोग के पास, मतलब कोई भी रिलेटिव के यहाँ, ठीक है। अब वापस आप अपने घर की ओर मतलब जा रहे हो, तो रोड से ही जा रहे हो, ठीक है। रोड पे आपके जेब से 2 रुपये गिर गए और आपको भनक तक नहीं लगी, ठीक है। मतलब होता है ना, पता भी नहीं चलता है 2 रुपये कब गिर गए, रुमाल निकाल रहे हो 2 रुपये गिर गए। जब आप घर पहुंचते हो तो बहुत लोग, आप लोग में से तो बहुत होंगे जिनको पता भी नहीं चलता है कि यार जेब में 2 रुपये थे क्या, ठीक है। लेकिन मान बाई चांस किसी को पता चल गया कि यार जेब में 2 रुपये रखे थे, पता नहीं है कहाँ है, लगता है गिर गया क्या। तो यार एक चीज़ बताओ, आप 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे तो आप क्या उस 2 रुपये के लिए वापस जाओगे, क्योंकि वो तो हो सकता है आपके गेट के पास ही गिरा होगा, लेकिन आपको क्या पता कि साला उस 2-3 किलोमीटर में कहाँ गिरा होगा, तो नहीं जाओगे। अब शायद से कोई चले जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको ही पता, आप नहीं जाओगे 2 रुपये के लिए, ठीक है। यार कहाँ 2 रुपये गिर गए, यार कहाँ 2 रुपये गिर गए, ठीक है, नहीं जाओगे। चलो अब एक और एग्जाम्पल मान लो कि आप रोड से फिर अपने घर की ओर जा रहे हो, ठीक है। आपके जेब से इस बार 2 रुपये नहीं, 2,000 का नोट गिर जाता है, ठीक है। इसमें तो और भनक नहीं लगेगी यार, सिक्का तो चलो आवाज़ भी कर सकता था, नोट तो यार पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2,000 का नोट आपके जेब से गिर गया, फिर आप जब घर पहुंचते हो तो यार चेक कर, तो यार साला मेरा 2,000 तो है नहीं, तो आप क्या जाओगे खोजने 2-3 किलोमीटर, भाई आपकी गांड फट जाएगी, जाओगे ही, ठीक है। अब अलग बात है बहुत कोई होंगे करोड़पति टाइप के लोग, ठीक है, मैं तो यार गरीब आदमी हूँ, ठीक है, कुछ होंगे करोड़पति टाइप के लोग तो हो सकता नहीं जाए, लेकिन अब पता है आप लोगों को पता है कि आप जाओगे, ठीक है, जाएंगे हम लोग। तो भाई एक चीज़ बताओ, 2 रुपये के लिए क्यों नहीं गए और 2,000 के लिए क्यों गए। सीधी सी बात है, कीमत के हिसाब से आप गए, 2,000 आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। 2,000 को आप खोल कर देखो तो 100 रुपये के 20 नोट, मतलब 1 रुपये के 2,000, सॉरी दो दो रुपये के 1,000 सिक्के, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब बताओ, तो कीमत 2,000 का ज़्यादा था इसलिए आप उसके लिए, मतलब आप 2-3 किलोमीटर में भी छानबीन कर लोगे कि कहाँ गिरा, आप 10 लोग से पूछोगे, ठीक है। तो यही चीज होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। अब मैं रिलेट करता हूँ, आप मान लो कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उसके जेब में आप हो, ठीक है, आपका पार्टनर लड़की भी हो सकता है लड़का भी, ठीक है, उसके जेब में आप हो, आप पैसे हो, ठीक है, मान लो कुछ हो उसके लिए, कुछ वैल्यू चीज हो उसके उसके जेब में आप हो, और वो रोड से जा रही है, ठीक है, या जा रहा है, आप गिर गए, तो क्या वो उठाएगा या उठाएगी, या मतलब वो घर पहुंच के वापस आएगा आपको खोजने की, यार कहाँ गिर गए कहाँ गिर गए। ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी कीमत कितनी है। अगर आपकी कीमत 2 रुपये की होगी तो घंटा खोजने आएगा भाई, लेकिन अगर आपकी कीमत 2,000 रुपये की नोट जैसी होगी, ठीक है, तो भाई वो मतलब 3-4 राउंड मार लेगा 2-3 किलोमीटर का, समझ रहे हो ना। तो आपका पार्टनर आपको छोड़ने से तभी डरेगा, मतलब तभी घबराएगा जब आप कीमती होगे,
सस्ती जिंदगी मतलब आपकी रहेगी ना, मतलब आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो आपका पार्टनर भी कदर नहीं करेगा। अब बात आती है कि खुद की कीमत फिर कैसे बढ़ाएं, समझ रहे हो ना। मतलब वो 2 रुपये और 2000 का नोट का एग्जांपल सुनकर लगा होगा सबको कि यार फिर अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। तो सुनो यार, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू आप खुद पे फोकस करके, अपने ऊपर काम करके ही बढ़ा सकते हो। अब मैं समझाता हूँ। पता है आजकल लोग प्यार मोहब्बत में प्यार मोहब्बत कम, परेशान ज़्यादा है। ब्लॉक कर दी, अनब्लॉक करो प्लीज़, तू किसके साथ ऑनलाइन है, इतना ऑनलाइन मत रहे यार, दूसरे के साथ मेरी गांड जल जाती है, समझा करो प्लीज़, मुझे छोड़ कर मत जाओ। ये जो आप 2 रुपये की तरह आप जो झोंक जाते हो ना, ठीक है, इससे तो आपका पार्टनर और आपकी कदर नहीं करेगा। सुनो पहले एक चीज़ गौर करना, 2 रुपये जब गिरा होगा रोड पे तो भले उतना आवाज़ नहीं लेकिन हल्का सा तो आवाज़ किया होगा, लेकिन जब 2000 का नोट गिरा वो हल्का सा भी आवाज़ नहीं किया होगा। मतलब जिसकी 2 रुपये की औकात होती है ना, सुनो, उसको जब पार्टनर छोड़ देता है ना, वो ज़्यादा खनकता है, वो ज़्यादा शोरगुल करता है कि नहीं नहीं मुझे मत छोड़ो। 2 रुपये का, 2 रुपये का जब सिक्का गिरा होगा ना, उस आदमी को आवाज़ दे रहा होगा मुझे उठाओ, मुझे उठाओ प्लीज़। वही रिलेशनशिप में होता है। आपकी अगर वैल्यू सस्ती है ना, ठीक है, तो आप सोचोगे यार मेरे लिए ये औकात से बाहर था, ठीक है, तो आप उसको चिल्लाओगे प्लीज़ ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन वहीं जब आपका वैल्यू महंगा हो जाएगा, आप कीमती हो जाओगे ना, तो 2000 की नोट की तरह आपको अगर कोई छोड़ भी दे ना, तो आप ऐसे रहोगे कि छोड़ कर कहाँ जाओगे, वो वापस तो मुझे ही खोजने आओगे। समझ रहे हो ना भाई, एकदम रिलेट हुआ है वो एग्जांपल। आपकी अगर कीमत, 2000 का नोट जब गिरा होगा वो तो बिंदास रोड पे पड़ा ही होगा, ये साला वो नहीं तो कोई और तो उठा के ले ही जाएगा, समझ रहे हो ना। एक चीज़ बताओ, मान लो कि सड़क पर गोबर उबर में भी 2 रुपया लिपटा है गिर के, तो कोई नहीं उठाएगा, 2 रुपया इस साल गोबर में, लेकिन 2000 का नोट का हल्का कोना गोबर को भी टच कर दिया होगा ना, या हल्का सा साला साफ कर कर जेब में रख देगा। कीमती होने का यही फायदा है भाई, ठीक है। आप अगर सस्ते रहोगे ना 2 रुपये की तरह, तो आपको कोई गिरा भी देगा ना, या खुद से गिर जाओगे ना, तो बड़ा चिल्लाओगे प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ब्लॉक मत करो प्लीज़, दूसरे से बात मत करो। समझ रहे हो ना, यही चीज़ हो रहा है रिलेशनशिप में। आप 2000 का नोट बनो भाई, और नहीं होता है तो साला 2 करोड़ का भी बन जाओ, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं, मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि 2000, उससे ज़्यादा भी कीमती बन सकते हो। अब कैसे कीमती बनना है सुनो यार। देखो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, या तो आप लोग में से बहुत लोग स्टूडेंट होंगे, या कुछ जॉब करते होंगे, या कुछ का बिजनेस का काम होगा, या हो सकता है कुछ हाउसवाइफ भी हो सकता है ये वीडियो देख रही होगी। यार आप जो भी काम कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें अपने आप को ना पीक लेवल पे ले जाओ। अब मान लो कि आप लोग स्टूडेंट हो सकता है कुछ इंजीनियरिंग का तैयारी करो, कुछ मेडिकल, कुछ बैंकिंग, रेलवे, UPSC, ये यार ऐसा नहीं कि साला फॉर्म भर रहे, एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो जाएगा, मूड हुआ तो साला 2 मैथ बना रहे हैं, कभी ऑब्जेक्टिव टिक मार दिए, GK GS, फिर 4 दिन किताब ही नहीं खोले। भाई ऐसे थोड़ी होता है। आपका जो कैरियर है ना, उस पर आप अपने आप को पिक लेवल पर ले जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो दूर की बात है, वो बात की चीज़ है, लेकिन आप डेडिकेट तो रहो, ठीक है। सेलेक्शन एग्ज़ाम में होना अलग बात है, लेकिन आपका डेडिकेशन देखकर पार्टनर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पार्टनर का कॉल आया है या उसका मैसेज आया, तो 2 घंटे के बाद रिप्लाई दो, ठीक है। और ये एक्टिंग करके नहीं कि मैं 2 घंटे, ये आपका नेचुरल वे में होना चाहिए कि नहीं मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ बाद में, या उसको बोलो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ यार, तो बाद में करता हूँ, ठीक है, तो उसको ही लगेगा, ठीक है। आप उसको ज़्यादा उतना टाइम नहीं दोगे ना, हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे ना, तो वो आपका और कदर करेगा, ठीक है। ब्रेकअप क्यों होता है, ज़्यादा डेस्परेट होने से, ठीक है। सब कुछ बक देते हो, मतलब 2-2 घंटा 3-3 घंटा डेली कॉल होता है, तो सारा आपका मतलब अंदर का चीज़ उसको पता चल गया। अब आपका कीमत उसको मतलब क्या सस्ता होगा आप उसके लिए, ठीक है, हमेशा अवेलेबल रह के। तो स्टूडेंट हो तो ढंग से तो पढ़ाई करना होगा ना यार, समझ रहे। आप बोलोगे यार तू क्या ज्ञान दे रहा है, तो भाई मैं भी तो पढ़ाई लिखाई किया हूँ ना यार, फैमिली डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है पढ़ाई लिखाई कैसे होता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई की दुनिया अलग होती है, चुतियापा करके पढ़ाई लिखाई नहीं होता, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से जॉब करते होगे, तो भाई जॉब चलो मान लो कि कम इनकम वाली कर रहे हो, ठीक है, तो
वो कम इनकम वाली जॉब करना चलो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए और मुझे थोड़े पैसे और चाहिए जिससे कि मैं मेंटेन कर पाऊँ। अब जैसे मान लो अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो हो सकता है बॉयफ्रेंड भी सोचा होगा यार मैं कुछ गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दूँ, या बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड भी सोची होगी या बॉयफ्रेंड भी सोची होगी कि चलो कुछ खर्चा किया जाए गिफ्ट, या कहीं एक मतलब रेस्टोरेंट में ही कुछ छोटा सा पार्टी टाइप का जो सेलिब्रेट करे, तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है हल्का पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यार हल्का तो चाहिए यानी कि थोड़ा आपको ज़्यादा इनकम चाहिए, तो भाई ज़्यादा इनकम पे फोकस करो। आप ये सोचो कि साला मैं कम से ज़्यादा कैसे कमाऊँ, आप खुद पे काम करके, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन होता ही नहीं होगा, जहाँ भी जॉब करते होगा ना वहाँ भी इनकम बढ़ता ही होगा, लेकिन आपका काम का रिकॉर्ड घटिया, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, इवन आप जहाँ जिस सिस्टम में काम करते हो वहाँ भी आप व्हाट्सअप खोल के अपने बंदा या बंदी से चैट करते होगे, तो कहाँ फोकस करोगे। आप अगर हाउसवाइफ भी हो और आपको लग रहा है कि मेरी सास वैल्यू नहीं दे रही है, ठीक है, मेरे बच्चे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मेरा पति मेरे को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं अगर शादीशुदा नहीं होती मैं बहुत कुछ कर लेती, भाई पछताने से कुछ नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि जो शादी कर लेता है उसकी ज़िंदगी झंड होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप यूट्यूब में बहुत सारा, आप हाउसवाइफ हो तो खाना खजाना जैसा कुछ आप खाने पे वीडियो बना सकती हो, या कुछ आप टिप्स दे सकती हो प्रेगनेंसी के ऊपर, बहुत चीज़ हो सकता है। ठीक है, 10 लोग जानेंगे ना तो पति भी आपकी कद्र करेगा कि यार मेरी वाइफ तो फेमस है, समझ रहे हो भाई, सोच पे है, सब सोच पे है। अब रही बात ये कैरियर का, ठीक है, मैंने ये बोला कि कैरियर में अच्छा करो, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि अपने पार्टनर को मैं तभी बांध सकता हूँ या बांध सकती हूँ जब मेरा लुक्स अच्छा होगा। भाई लुक्स घंटा कोई पूछता है, प्लस पॉइंट हो सकता है कि देखो हर इंसान चाहता है, हर पार्टनर चाहता है कि मेरा पार्टनर अच्छा दिखे, ठीक है, अगर मान लो आप काले हो या आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है, हालांकि हर इंसान सुंदर है, लेकिन आप ऐसा अगर मानते हो खुद को तो भाई बॉडी बनाओ, शक्ल तो चलो ऊपर वाली की देन है, जो फेस आपको मिला है वो जेनेटिक है या ऊपर वाले का देन, जो कुदरत इन्वायरमेंट जो आपको दिया है वो एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन अगर आप मान लो मोटे हो या आपकी आउट फिगर हो, फिगर अच्छी नहीं है, तो भाई जिम ज्वाइन करो यार, अब जिम के पैसे नहीं है तो घर में एक्सरसाइज करो, योगा करो, बहाना नहीं बनता है भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ करके अपने अपनी कीमत बढ़ाना है, समझ रहे हो ना। पार्टनर आपको छोड़ने से ही नहीं डरेगा, छोड़ने से ही डरेगा भाई, ठीक है, 2 रुपये से 2 हज़ार की तरफ अपने आप को मतलब बढ़ाओ कि कैसे मैं 2 हज़ार बनूँ, समझ रहे हो ना। बाकी देखो प्यार व्यार जैसा ठीक है होता है सबको ना भाई, परफेक्ट चाहिए, खुद भले परफेक्ट ना हो लेकिन साला दूसरा परफेक्ट चाहिए सब कुछ, समझ रहे हो ना। अब मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तो आपका बॉयफ्रेंड दूसरे के साथ ऑनलाइन है 3 बजे रात को, अब आपकी गांड फट रही है देख के यार किससे ऑनलाइन है, अरे आपको क्या फ़र्क पड़ा, आप अपना काम करो ना यार, आप फीकी परी तब ना दूसरे के साथ ऑनलाइन है, होता है बहुत लोग का दूसरे से ऑनलाइन है, हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो इनसिक्योर होने का इतना टाइम कैसे आ गया आपके पास, कैरियर पे फोकस करो भाई, ठीक है, आपको ऐसा बनना है कि साला वो आप ही के साथ ऑनलाइन रहे, तरसे वो बात करने के लिए, ठीक है ना। स्टूडेंट है भाई, दुनिया में इतना स्टूडेंट है यार, इतना जॉब करता है, अलग कैसे करोगे खुद को, अलग कैसे बनाओगे, ये मैं तो बस टिप्स दे पाऊंगा ना यार, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो तो आप ही जानते हो, समझ रहे हो ना। ये अब रही बात कि ये अब मान लो कि वो ऑनलाइन थी या ऑनलाइन था तो आपकी जल गई, अब मान लो कि आपका पार्टनर किसी और के साथ घूमने गया, आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की साथ के साथ घूमने गया, या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ, वो नॉर्मल फ्रेंड भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरा वो पटा लिया, लेकिन फिर भी आप इनसिक्योर हो जाते हो, बार बार बोलते हैं किसके साथ गई थी, अरे किसके साथ तू सो गई थी ना, अरे किसके साथ गई थी मेरे को पता है तू कहाँ कहाँ गए, अरे भाई इतना क्यों कर रहे हो भाई, आप तो 2 रुपये की तरह भीख मांग रहे हो भाई, खुद को मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए भाई, आप खुद पे फोकस करो, ठीक है, हमारे पैदा होने से पहले भी ये दुनिया चल रही थी, हमारे मरने के बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी, दुनिया वाले को घंटा फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, वो फैमिली ही होते हैं जो पूछती है, लेकिन जब हम लोग मरेंगे ना तो माँ बाप भी या कोई भी अपना 3 दिन 4 दिन तक रोता है भाई, ये दुनिया में अगर आप जी रहे हो ना तो एक चीज़ लक्ष्य बनाओ कि खुद पे फोकस करो, ठीक है, फिर जो चाहे वो मिल जाएगा आपको, थोड़ा ये डायलॉग लगा होगा लेकिन मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ,
आपको लग रहा होगा यार ज्ञान दे के चला गया वेंचोर, भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बताओ? तो इस टॉपिक पर वीडियो यहीं तक रखता हूँ, और जाते जाते बस यही बोलूँगा कि यार देखो, अगर कुछ भी आपको लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये मत सोचना कि यार लेट रिप्लाई क्यों दे रहा है, भाई बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं यार, ठीक है? बहुतों का रिजल्ट्स भी आया है अभी तक, बहुतों का मतलब मैंने जैसे जैसे बोला उन्होंने बहुत हद तक वैसा किया और उनको रिजल्ट्स भी आया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मेरी बात ही नहीं मानते हैं, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि अभी बात मत करो, उसको ये मत करो, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं, ठीक है? तो यार अच्छा खिलाड़ी होना जरूरी है यार, जैसे मैं बोलूँगा उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है? मैं बस टिप्स दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फाइनल रिजल्ट ही करवा दूँ, वो आप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि इधर एक आदमी है टिप्स देने वाला, लेकिन आप लोग दो जन हो जो एक दूसरे को मतलब ट्रीट करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चलो बाय।